हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ लैपटॉप से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा लिया गया क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, और इसका आंसर के सहित मैं चलिए आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फॉर लिक्विड एंटीकॉगुलेंट अर्थात तरल थक्कारोधी का उदाहरण है। तो इसका आंसर है दोस्तों, मैं केवल आंसर बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे ये वीडियो देखने में। तो इसका आंसर है सोडियम साइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में पाया जाने वाला एक ऑक्सीजन बाध्यकारी प्रोटीन है अर्थात मायोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन। आंसर है हार्ट मसल अर्थात हृदय की मांस पेशियाँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रिजर्वेटिव यूज फॉर 24 आवर यूरिन सैंपल इज अर्थात 24 घंटे के मूत्र नमूने के लिए प्रयुक्त परिरक्षक है। तो इसका आंसर है सांद्रित HCl कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, रिजेंट यूज फॉर द ऑकल्ट ब्लड टेस्ट इन कैर्सिनोजेनिक अर्थात गुड़ रक्त जांच के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक कैंसर कारक है। तो ये आंसर है इसका बेंजी डीन, क्योंकि जो ऑकल्ट ब्लड होते हैं, चिपका हुआ ब्लड जो स्टूल पे किया जाता है, इसके लिए टेस्ट किया जाता है, तो वह होता है बेंजीडीन टेस्ट किया जाता है, और वही जो कैंसर कारक होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, टेस्ट डन फॉर द क्लॉटिंग टाइम्स इज कॉल्ड अर्थात स्कंदन समय के लिए की जाने वाली जांच कहलाती है। तो इसे केशिकीय नलिका विधि, जो जांच करते हैं उसे केशिकीय नलिका विधि या कैपिलरी ट्यूब मेथड्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, एजू स्पर्मिया रेफर्स टू अर्थात शुक्राणुहीनता, ये जो स्पर्मिया का अर्थ है शुक्राणु की अनुपस्थिति, शुक्राणुहीनता कहलाता है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, द ACPDA स्टैंड फॉर एंड इट गिव्स बेटर प्रिजर्वेशन। CPDA में ए का अर्थ है और यह बेहतर परिरक्षण देता है, तो ए का होता है एडीनिन। CPDA का पूरा साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एंड एडीनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, मेथड इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया अर्थात विधि जीवाणु को गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं, प्रयुक्त होती है, प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होती है हैंगिंग ड्रॉप मेथड्स, जो गतिशीलता को बताया जाता है। आंसर नंबर फोर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, एंजाइम रिलेटेड टू हार्ट्स हृदय से संबंधित एंजाइम है। इसका आंसर है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कंसिस्ट इज इन फेरस स्टेट। हीमोग्लोबिन का हीम भाग लौह अर्थात फेरस अथवा में अवस्था में से युक्त होता है, वह होता है लौह, आयरन से युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन, कोआगुलेस टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर अर्थात कोआगुलेस जांच के लिए सकारात्मक होती है, तो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग, मूत्र का विशिष्ट घनत्व के प्रयोग द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका आंसर है यूरोमीटर, आंसर नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स WBC सीन इन ब्लड्स, रक्त में देखी जाने वाली सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC कौन सी है? यह होता है बेसोफिल्स, जिसको क्षारक रागी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूक्लियर स्टेन यूज इन पैथोलॉजी
पेपनिकोलस स्टेनिस अर्थात पेपनिकोला अभिरंजक में प्रयुक्त नाभिकीय अभिरंजक है, तो इसमें होता है हेमेटोजाइलिन। क्वेश्चन नंबर 15, विच थ्योरी स्टेट्स एंड सिंगल ट्रांसफर आरएनए कैन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडन। कौन से सिद्धांत के अनुसार एकल टीआरएनए एक कोडन से अधिक पहचान सकता है, तो इसका आंसर है वोबल हाइपोथीसिस। क्वेश्चन नंबर 16, एएफबी स्टेनिंग इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेनिंग। आंसर इज द थर्ड, झील नेल्सन। झील नेल्सन जिसको शॉर्ट में जेडन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट सुप्रेशन ऑफ यूरिन इज नॉन एज अर्थात मूत्र का पूर्ण अवरोध के रूप में जाना जाता है, तो उसे अमूत्रता एनूरिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, थायराइड ग्लैंड सिक्रेटेड हार्मोन्स। तो थायराइड ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, आंसर इज द फर्स्ट, T3 का सिक्रेशन करती है। क्वेश्चन नंबर 19, PAS स्टेनिंग इज यूज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ PAS अभिरंजक के लिए प्रयुक्त होता है, आंसर इज द थर्ड, ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 20, नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल बिलिरुबिन कुल बिलिरुबिन की सामान्य प्रास क्या है, तो होती 0.2 से 1 मिलीग्राम प्रतिशत एंड 0.2 से 1 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 21, VDRL इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, आंसर है फोर्थ, सिफिलिस। सिफिलिस एक यौन रोग होता है जिसके डायग्नोसिस के लिए VDRL टेस्ट किया जाता है, और VDRL का पूरा नाम होता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च ऑफ लेबोरेटरीज। और इसमें से जो टीबी, डिप्थीरिया और निमोनिया है, ये सारे टेस्ट अलग अलग होते हैं। टीबी एसिड फास्ट बेसलाई होते हैं, डिप्थीरिया को भी अलग टेस्ट किया जाता है। इस तरीके से सिफिलिस टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है VDRL। क्वेश्चन नंबर 22, कीप्स ब्लड इन फ्लूड स्टेट्स, मेंटेनेंस वाटर बैलेंस, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर्स, कॉन्टेन एंटीबॉडीज, दिस आर द फंक्शन ऑफ, अर्थात ये किसके कार्य है, तो आंसर इज द फर्स्ट, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन यूरिन ऑफ माइलोमा पेशेंट्स इज कॉल्ड प्रोटीन। आंसर इज द माइलोमा रोगियों के मूत्र में प्रोटीन के प्रकार को प्रोटीन कहा जाता है, तो उसे बेंस जोन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, फिक्सेटिव यूज इन लिस्मैन स्टेन इज, लिस्मैन अभिरंजक में प्रयुक्त स्त्री कारक है, आंसर है एसीटोन मुक्त मेथनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फिल इन द ब्लैंक्स इन द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेलिन कंटेनिंग फिक्सेटिव्स, आंसर इज द सेकेंड, 10% फॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड बाय, अप्रत्याशित प्रतिरक्षियों के द्वारा पता लगाया जाता है, तो आंसर है ICT। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द मलेरिया पैरासाइट्स, मलेरिया के परजीवी का संक्रामक स्वरूप कौन सा है, तो आंसर इज द सेकेंड, स्पेरोजोइट अर्थात बीजाणुस स्पोर, जब वो होता है वो ज़्यादा संक्रामक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लोवेन स्टेन जेंसन मीडियम इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशंस ऑफ, लोवेन स्टेन जेंसन माध्यम के संवर्धन के लिए प्रयुक्त होता है, तो आंसर है माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस, इसी के लिए जो माध्यम प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रिजर्वेटिव यूज इन ए बी डी एंटी सेरा इज, आंसर इज द 0.1% सोडियम एजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, साइटोप्लाज्मिक स्टेन यूज इन एच एंड ई स्टेनिंग इज, आंसर इज द ईओसिन। क्वेश्चन नंबर 31, डी एल्कोहलाइजेशन मीन्स, अर्थात एल्कोहल मुक्तिकरण का अर्थ है, इसका अंतर होता है क्लियरिंग अर्थात निकासी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एल इन एल ब्लॉक स्टैंड फॉर, अर्थात एल ब्लॉक में एल का अर्थ है, तो आंसर इज द थर्ड, ल्यूकेन का ल्यूकेन ल्यूकार्टस। क्वेश्चन नंबर 33, डायलोटिंग फ्लूड्स यूज फॉर आरबीसी काउंट इज, आरबीसी गणना के लिए प्रयुक्त अनुकारी द्रव है, तो इसके लिए यूज किया जाता है डेसी फ्लूड्स, डेसिस फ्लूड्स का इस्तेमाल किया जाता है डायलोटिंग फ्लूड्स जो आरबीसी काउंट के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, एग्जाम्पल फॉर सुपरवाइटल स्टेनिंग इज, आंसर इज द 1 न्यू मेथिलीन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 35, बाउचेरिया बैनक्रॉप्टी कॉसेस, अर्थात इस बाउचेरिया बैनक्रॉप्टी क्या उपयोग करता है, तो यह आंसर इज द 4 फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 36, इम्यूनोजेंस आर प्रतिरक्षाजन होते हैं, इसका आंसर इज द 1st कंप्लीट एंटीजन होते हैं, अर्थात संपूर्ण प्रतिजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्लेटलेट आर स्टोर एट, आंसर इज द 422 to 24 सेंटीग्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 38, किडनी फंक्शन टेस्ट इज, गुर्दे की क्रियाविधि की जांच है, तो आंसर इज द 3rd सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 39, गुडिंग एंड स्टीवर्ड्स फ्लूड्स इज अ एग्जांपल फॉर फ्लूड, गुडिंग एवं स्टीवर्ड द्रव एक उदाहरण है, तो आंसर इज द 3rd डी कैल्सीफाइंग, अर्थात डी कैल्सीफिकेशन, कैल्सी अर्थात इसको विकैल्सीकरण भी कहा जाता है, कैल्शियम को हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, एक्सपेंडेड द टर्म्स एलाइजा शब्द का प्रयोग विस्तार करें, तो एलाइजा मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, आंसर नंबर 2nd। सॉरी आंसर नंबर 3rd आएगा माय फ्रेंड्स, एंजाइम लिंक्स इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्वेश्चन नंबर 41, एग्जाम्पल फॉर ग्राम निगेटिव कोकाई इज, ग्राम निगेटिव कोकाई का उदाहरण है, तो आंसर इज द 1st नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 42, जनरल टेस्ट फॉर प्रोटीन इज, प्रोटीन के लिए सामान्य जांच है, तो आंसर इज द 1st बायूरेट। क्वेश्चन नंबर 43, फुल फॉर्म ऑफ FNAC इज, FNCA का फायर नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, आंसर नंबर ए आएगा। फ्रेंड्स इसका आंसर 3rd नंबर आएगा, यह मेरे को पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, देखने में यहाँ फायर नीडल एस्पिरेशन लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट वाला, इसका आंसर नंबर 3rd आएगा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इंडिकेटर यूज इन एंटीसीरा ए इज, एंटीसीरा ए में प्रयुक्त सूचक है, तो आंसर इज द 2nd ट्राइपन ब्लू, इसलिए कारण वह ट्राइपन ब्लू के कारण ही ब्लू कलर का दिखाई देता है।
इन एन ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, एक ऑस्ट्रेलिया एंटीजन ए एंटीजन है। आंसर इज द थर्ड HBSAg, इसको एंटीजन ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, नेचुरल रेड इज द यूज फॉर इंडिकेटर इन मीडिया, उदासीन लाल मीडिया में सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आंसर इज द मैक कॉन्की अगार का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, आयर्स स्पेचुला से नमूने हासिल करने के लिए प्रयुक्त होती है। आयर्स स्पेचुला इज यूज टू ऑब्टेन सैंपल फ्रॉम, आंसर इज द सेकेंड सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा। क्वेश्चन नंबर 48, मेथड ऑफ शार्पनिंग ऑफ नाइफ इज, चाकू को तेज करने की विधि कहलाती है, तो स्ट्रोपिंग, निकासी, क्लियरिंग, माइक्रोटोमी और होनिंग, मतलब तेज करने की क्रिया होनिंग, शान देना कहलाता है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 49, मॉन्टुक्स टेस्ट इज अ स्किन टेस्ट यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ, आंसर इज द फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के लिए यह स्किन टेस्ट होता है मॉन्टुक्स टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 50, इन एग्जांपल फॉर इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, प्रतिरक्षा मध्यस्थता आधान प्रतिक्रिया के लिए उदाहरण है, तो आंसर इज द ग्राफ्ट वेस होस्ट डिजीज, कलम बनाना सहायता होस्ट रोग का। क्वेश्चन नंबर 51, लिस स्टैंड फॉर LISS का अर्थ है, तो आंसर इज द फोर्थ लो आयोनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 52, रिजेंट यूज फॉर द फ्लोटेशंस मेथड ऑफ स्टोल इज, मल की फ्लोटेशन विधि के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है, आंसर इज द जिंक सल्फेट फॉर। क्वेश्चन नंबर 53, फिल इन द ब्लैंक्स इज द थाई बोन्स, आंसर इज द सेकेंड फीमर, अर्थात थाई मतलब जांग की हड्डी बनती है। क्वेश्चन नंबर 54, आयरन स्टोर आर रिड्यूस इन, में लो भंडार कम हो जाते हैं, आंसर इज द फर्स्ट एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 55, द साइट ऑफ CSF कलेक्शन इन द एडल्ट, वयस्क में CSF संग्रह करने के लिए प्रयुक्त स्थान होता है, तो L3 टू L4 अर्थात लंबर 3 से लंबर 4 के बीच में लंबर पंक्चर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, बफी कोट इज द यूज फॉर प्रिपरेशन, बफी कोट तैयार करने में प्रयुक्त होता है, आंसर इज द सेकेंड एलिसेल कोशिकाओं की जांच में बफी कोट बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के कौन से प्रकार सामान्यतः रोगी के परिधि रक्त फिल्म से अनुपस्थित होते हैं, आंसर इज द सेकेंड सीजोन्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस सामान्य प्रकुंचन रक्तचाप है, तो 120 mmHg। क्वेश्चन नंबर 59, द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ सम बैक्टीरिया इस, कुछ जीवाणुओं का रक्षात्मक बाहरी आवरण होता है, आंसर इज द थर्ड कैप्सूल्स का। क्वेश्चन नंबर 60, विडाल टेस्ट इज एन, विडाल टेस्ट जांच किया जाता है, आंसर इज द विडाल टेस्ट है तो यह एग्लूटिनेशन रिएक्शंस के आधार पर, योजन अभिक्रिया के आधार पर यह होता है। क्वेश्चन नंबर 61, येलो कलर ऑफ CSF इज नॉन एज, CSF का पीला रंग के रूप में जाना जाता है, आंसर इज द जेंथोक्रोमिया अर्थात पित्त वर्णीयता का जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय, गैस गैंग्रीन के द्वारा उत्पन्न होता है, आंसर इज द
क्लॉस्ट्रेडियम सेप्टिकम के द्वारा यह गैस्ट्रेंग्रिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 63, द मॉलिक्यूल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है तो C6H12 and O6। ये याद रखिएगा दोस्तों, 6 6 12 और हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के एक एक होते हैं तो दोनों एक एक सबसे ज्वाइंट होके हो जाता है तो C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 64, इम्यूनोग्लोबिन विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, अर्थात प्लेसेंटा को पार करके, गर्भनाल को पार करके बच्चे तक कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पहुँचता है, तो इसका आंसर होता है IgG, जो सबसे सर्वाधिक या कॉमन होता है, सबसे अधिक मात्रा में इसी का होता है। क्वेश्चन नंबर 65, इट इज़ द कीटोन बॉडीज, या कीटोन बॉडीज है, आंसर इज़ द 4 beta hydroxybutyric acids। क्वेश्चन नंबर 66, स्टैंडर्ड मेथड टू द एस्टिमेट हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन आकलन की मानक विधि है, आंसर इज़ द फर्स्ट सॉरी आंसर इज द सेकेंड साइनोमेथ एच बी मेथड के द्वारा यह स्टैंडर्ड मेथड बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज, द मैन इज कॉल्ड एज, एक व्यक्ति में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कहलाता है, आंसर इज द सी फर्स्ट नंबर, इसकी जो गौनी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68, एंटीकॉगुलेंट दैट चिलेट्स कैल्शियम इज, आंसर इज द थर्ड EDTA। EDTA कैसा व्यवहार करता है, तो होता है कैल्शियम को करता है, वह है आंसर इज द EDTA। क्वेश्चन नंबर 69, सिकलिन टेस्ट इज डन फॉर, अर्थात रक्तालपक सिकलन की जाती है, तो आंसर इज द सिकल सेल एनीमियास के लिए सिकलिंग का टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, हु इन्वेंटेड बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया, तो ये आर आर भेंडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें कैप्सूल होता है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैप्सूल, आंसर इज द स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिस फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, चाइनीज लेटर अरेंजमेंट्स ऑफ सेल इज सो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, निम्न में से किस जीवाणु द्वारा चीनी अक्षरों की व्यवस्था दर्शाई जाती है, आंसर इज द सेकेंड कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थरी। क्वेश्चन नंबर 73, वॉल्यूम ऑफ द एंटीकॉगुलेंट इन 350 mg, 350 ml रक्त थैले में थक्करोधी की मात्रा होती है, तो 49 ml इसका होता है फ्रेंड्स, तो पर 50 ml के लिए 7 ml की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 74, कास्ट सीन इन यूरिन इज, मूत्र में दिखाई देने जाने वाले निपेक्ष है, आंसर इज द फोर्थ वैक्सी कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, हैस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोअरिंग ऑफ बाइल साल्ट्स, हे का परीक्षण पित्त लवणों को कम करने के गुण पर आधारित है, आंसर इज द थर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस तरीके से दोस्तों आज 75 क्वेश्चन यही समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों कल मिलेंगे वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।